बेहद दुख और शर्मिंदगी के साथ हम सब लोग आपके सामने मौजूद हैं। यहां मेरे साथ मंच पे प्रशांत जी तो हैं ही, आम आदमी पार्टी के सांसद और हमारे संसदीय दल के नेता पटियाला के एमपी डॉक्टर धर्मवीर गांधी, आम आदमी पार्टी के एमएलए तिमारपुर से श्री पंकज पुष्कर, हमारे नेशनल एग्जीक्यूटिव के सदस्य भाई विशाल, नेशनल एग्जीक्यूटिव के इनवाइटेड मेंबर जम्मू से आईडी खजूरिया जी, हरियाणा से भाई परमजीत सिंह जी, नीरज भाई, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य अजीत झा जी, प्रहलाद पांडे जी मध्य प्रदेश से, इब्राहिम भाई मध्य महाराष्ट्र से, मारुति भापकर जी महाराष्ट्र से हमारी राज्य कार्यकारिणी के सदस्य हैं, भाई रमजान चौधरी मेवात से जिन्हें आज चोट लगी, यहाँ बैठे बैठे जिन्हें आज की प्रकरण में चोट लगी, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य श्री राकेश सिन्हा जी, हरियाणा राज्य कार्यकारिणी के सदस्य बालिया जी जिन्हें आज फिर चोट लगी, बाकी बहुत साथी इधर उधर हैं लेकिन जिनका आज के घटनाक्रम से संबंध था मैं केवल उनके नाम ले रहा हूँ। आनंद जी यही कहीं होंगे, शायद आने वाले होंगे। साथियों, जैसा मैंने कहा, बेहद दुख और शर्मिंदगी के साथ हम आपके सामने बैठे हैं। आम आदमी पार्टी इस देश में लोकतंत्र की नई मर्यादा स्थापित करने आई थी। हम एक ऐसे आंदोलन से निकले थे जिसने कहा था कि इस देश की सारी राजनीति कीचड़ में आ गई है, और हमने दावा किया था कि हम इस देश में एक नई तरह की राजनीति देंगे, भ्रष्टाचार से मुक्त, राजनीति की गुंडागर्दी से मुक्त, राजनीति की सत्ता लोलुपता से मुक्त, राजनीति के अहंकार से मुक्त, हम नई तरह की राजनीति लेने आए थे। लेकिन आज जिस तरह का नाटक हुआ, इस पार्टी की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली समिति में यानी कि राष्ट्रीय परिषद में, वो शर्मनाक है। दुख और शर्म के साथ हम सबको कहना पड़ रहा है कि जिस तरह की मर्यादाएं हमने इस देश के सामने रखी थी, आज राष्ट्रीय परिषद की बैठक में हम उस न्यूनतम से न्यूनतम मर्यादा का भी पालन नहीं कर पाए। सच बात तो ये है कि जिन पार्टियों को हम इस देश की भ्रष्ट पार्टी बताते रहे हैं, उनसे भी ज्यादा घटिया हरकतें आज की जो बैठक हुई नेशनल काउंसिल की, उसके अंदर हुई। मैं आपको पहले आज के घटनाक्रम का ब्यौरा दे देता हूं, फिर उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रशांत जी से और डॉक्टर गांधी से कि उसमें कुछ बात जोड़ें। जैसा कि आप जानते ही हैं, कल हमने यही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चिट्ठी हमने आपके सामने पेश की थी। वो चिट्ठी हम सब ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के नेशनल एग्जीक्यूटिव के 6 लोगों ने चिट्ठी लिखी थी, हमारे सेक्रेटरी को रिक्वेस्ट करते हुए चिट्ठी लिखी थी कि कृपया आज की मीटिंग सुचारू रूप से हो, इसके लिए इंतजाम किए जाएं, सीक्रेट वोटिंग हो, मीटिंग की वीडियोग्राफी हो, उसमें वोटिंग और नॉन वोटिंग मेंबर में अंतर किया जाए, ये सुनिश्चित किया जाए कि बातचीत कायदे से हो। और हम मान के चल रहे थे कि हमारे एडमिरल रामदास जी जो हमारे लोकपाल थे, उनकी चीजें अच्छी हों, आप आके उसको बस अपनी दो आंखों से देख लेना, आपकी दो आंखें हमारे लिए किसी भी वीडियो से ज्यादा बड़ी। और उन्होंने कहा था, एडमिरल रामदास ने कहा था कि मैं तो आया ही महाराष्ट्र से इसी काम के लिए, मैं मीटिंग अटेंड करने आया हूं। आम आदमी पार्टी की हर मीटिंग में, हर नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में, काउंसिल की मीटिंग में हमेशा उन्हें बुलाया गया। कल शाम को एडमिरल रामदास, आम आदमी पार्टी के जो लोकपाल हैं, उनको अचानक एक SMS मिला ये कहते हुए कि आप मीटिंग में नहीं आइएगा। पहली, और क्या कहा गया,
आपके आने से कन्फ्रंटेशन की गुंजाइश है, कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करने के लिए हम चाहते हैं कि आप ना आए। रात को सुबह 4 बजे एडमिरल रामदास ने उसका जवाब दिया, बहुत दुख से, भारी मन से, और वो चिट्ठी की कॉपी हम आप सबको दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने अनुमति दी है। वो खुद इतने दुखी थे इस चीज से कि उन्होंने हमें परमिशन दी कि उस पत्र को सार्वजनिक किया जाए, तो वो पत्र हम आपको दे रहे हैं। एडमिरल रामदास ने कहा कि मगर मैं तो आया ही इस मीटिंग के लिए हूं, मैं हमेशा इस मीटिंग में आमंत्रित रहा हूं, और मेरे आने से कन्फ्रंटेशन कैसे हो सकता है इंटरनल लोकपाल के आने से? जो आंदोलन लोकपाल के नाम पे इस देश में चला, उस आंदोलन से उपजी पार्टी में आज इतनी भी हिम्मत नहीं कि अपने लोकपाल को मीटिंग में बुला ले। ये हुआ, हम कल शाम से ही चिंतित थे जब से पता लगा कि ये क्या मामला है, लोकपाल को क्यों नहीं बुलाना चाहते, वोट उनका नहीं है, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, देख ही लेंगे। आज हमें समझ आया कि वो क्यों नहीं चाहते थे कि एडमिरल रामदास वहां है। आज जब वह वहां घटनास्थल पे पहुंचे, ये जो कापसहेड़ा गांव में रिसोर्ट था जहां पे हमारी मीटिंग्स हुई हैं, वहां हमें देखा कि पहले से ही बड़ा सा क्राउड इकट्ठा था। कल शाम तक तमाम एमएलए लोगों को खबर गई थी, निर्देश गया था कि हरेक को बसें भर भर के लोगों को लाना है और मेरे और प्रशांत जी के खिलाफ नारे लगवाने हैं। आज जब मैं उस मीटिंग में गया, बाहर योगेंद्र यादव मुर्दाबाद के नारों से मेरा स्वागत हुआ। मैं सोचता था कि इस देश में बहुत बड़ी चीजें हैं जिनको मुर्दाबाद हम कर सकते हैं, भ्रष्टाचार के बारे में पता नहीं कितनी कितनी बड़ी चीजों पे मुर्दाबाद हो सकता था। वो हुआ, धक्कम धक्का हुई, ये सब तो आपने देखा ही होगा। दूसरा प्रकरण ये हुआ कि तमाम नेशनल काउंसिल के मेंबर्स जो कि वोट देने के लिए पूरे हकदार थे, जिनको इन्विटेशन लेटर मिला था, जिसको सेकेंड ईमेल इन्वाइट करते हुए मिला था, जब वो अंदर जाने लगे तो उन्हें बताया गया कि आपका नाम कट गया। एक साथी को बताया गया कि कल शाम 6:15 आपका, आप जो थे डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर पद से हटा दिए गए हो। कल शाम को 6:15 जब वो यहां आके एक प्रिपरेटरी मीटिंग में हिस्सा ले रहे थे तब उनका नाम डिलीट किया गया। ऐसी बहुत चीजें हुई, मैंने बाहर रह के उसका विरोध किया, फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा तो माना जाएगा कि कुछ नौटंकी कर रहे हैं, इसलिए मैं उनसे माफी मांग के अंदर गया मीटिंग में। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में सबसे पहले पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल का वक्तव्य था, वो कोई 1 घंटा के करीब बोले। जो बोले उस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि एक राष्ट्रीय कन्वीनर 1 साल के बाद राष्ट्रीय इस पार्टी की सबसे बड़ी मीटिंग में बोल रहे हैं, वो पार्टी के बारे में चर्चा नहीं थी, देश के बारे में चर्चा नहीं थी, सारी चर्चा 2 लोगों के बारे में थी, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव। नाम ले लेके एक के बाद एक आरोप, पूरे भाषण में केवल आरोपों की झड़ी थी, इन लोगों ने ये किया ये किया, सब पुराने आरोप जो आप सुन चुके होंगे। लेकिन अगर किसी के मन में संदेह था कि ये उनके नजदीक बैठे हुए लोग ऐसा कहते हैं, वो खुद ऐसा नहीं सोचते, तो आज सारा उसका निवारण हो गया। उन्होंने अपने मुंह से एक के बाद एक आरोपों की झड़ी लगाई। सिर्फ यही नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि शांति भूषण जी का नाम नहीं लिया था, एक वरिष्ठ साथी ने ये किया। और जैसे ही उन्होंने ये कहा, एकदम ऑन क्यू 10 लोग पीछे से खड़े हुए, गद्दारों को बाहर करो, गद्दारों को निकालो। और इसके अंदर पार्टी के एमएलए कपिल मिश्रा, नितिन त्यागी, ये सब उस मॉब को लीड कर रहे थे। पार्टी की अपनी मीटिंग है, बंद कमरे में मीटिंग है, उसमें मॉब आ रहा है, और वो शांति भूषण जी की तरफ लपके, दूसरे लोगों ने उनको वॉलंटियर जो ड्यूटी कर रहे थे वो उनको रोक रहे थे। ये देखिए क्या नाटक हो रहा है, अरविंद केजरीवाल उत्तेजित कर रहे हैं, पीछे से ये जो एमएलए पार्टी के खड़े होके कह रहे हैं गद्दारों को निकालो, भाग रहे हैं शांति भूषण जी की तरफ, फिर उन्हीं के कुछ तीसरे लोग आके रोक रहे हैं, नहीं 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 आप ऐसा मत कीजिए। और ये सब ड्रामा 5-7 मिनट हुआ, अरविंद भाई देखते रहे। फिर उसके बाद दूसरा राउंड उन्होंने फायर किया, फिर उन्होंने और बीच बीच में सबसे कहलवाते थे, क्यों भाई ठीक कह रहा हूं ना, तालियों की गड़गड़ाहट, तालियां और बोले,
तो एक लोगों ने बीच में कुछ बोला, नहीं नहीं ये तो गलत है। उन्होंने कहा आरटीआई लागू हो सकती है। एक कार्यकर्ता ने कहा हां जी इसीलिए तो हम आए थे इस पार्टी में, चुप रहे थे, चुप रहे। और फिर उसके बाद तालियां और ये बिल्कुल ऑर्केस्ट्रेटेड परफॉर्मेंस हो रही थी वहां। और इसके बीच में रमजान भाई ने कौन सी बात पे आपने उन्हें टोका था? जब प्रस्ताव रखने की बात आई थी तो दोनों पक्षों की बात सुन ली इन्होंने। हाँ तो अरविंद भाई ने अपनी बात कह के कहा कि मैं तो अब सब चीजों से इस्तीफा दे रहा हूं, आप तय कर लीजिए कि आपको मेरे को रखना है या इन दोनों को रखना है, आप फैसला कर लीजिए, मैं तो नहीं रह सकता इसके अंदर। और ये सब कहते हुए उन्होंने बड़ा ड्रामेटिक सा फिनिश किया। रमजान चौधरी ने सिर्फ इतना कहा कि भाई दोनों की बातें सुन लीजिए। जब ये हुआ कि वो अपनी बात कह के जा रहे हैं तो इनको नेशनल काउंसिल के मेंबर को दो बॉक्सर्स आए, हॉल के अंदर बॉक्सर्स थे। मैं जानता हूं हमारी पार्टियों की मीटिंग हमेशा वॉलंटियर कंडक्ट करते हैं, आज हॉल में एक व्यक्ति नहीं था जिसको हम पहचानते थे, प्रोफेशनल बॉक्सर्स लगाए गए थे हॉल के अंदर। और जैसे ही इन्होंने रमजान चौधरी ने कहा दोनों की बातें सुन लीजिए, इनको घसीटते हुए हॉल से बाहर लेके गए, इनको मारा। जो कह रहे हैं ना कि ऐसी बात गलत है, आप देख लीजिए आपके सामने बैठे हुए, इनको मारा। मैं बाहर भागा हॉल से, अंदर इनको घसीट के ले गए थे। मैंने जाके कहा कि ये मेंबर है, क्या कर रहे हो आप, इसके साथ कैसे कर सकते हो, छोड़ो अभी इसको, वापस आने दो। तब वो जाके वापस आए, इनको मैं सहारा दे के अंदर तक रूम में लाया। अंदर आया तो नाटक का दूसरा चरण शुरू हो चुका था। अरविंद भाई ने अपनी स्पीच के आखिर में, और मैंने वहां जाके स्टेज पे बोला, जब ये हुआ मैंने जाके बोला, अरविंद भाई को बोला, मनीष को बोला कि देखिए नेशनल काउंसिल के मेंबर की पिटाई हो रही है, क्या हो रहा है मीटिंग में, उसके बारे में कुछ नहीं। आनंद जी, अरविंद भाई एकदम मूर्ति की तरह खड़े रहे जब मैंने कहा कि नेशनल काउंसिल के मेंबर की भी पिटाई हो रही है, इसको तो रोकिए। पार्टी के एमएलए देवेंद्र सहरावत वहां मीटिंग में थे, वो बाहर नहीं आए। उन्होंने खड़े होकर कहा कि अरविंद भाई इस गुंडागर्दी को रुकवाइए आप, ये क्या हो रहा है मीटिंग के अंदर, गुंडागर्दी हो रही है। किसी पे कोई असर नहीं हुआ। अरविंद जी ने अपनी स्पीच नाटकीय अंदाज में खत्म की और कहा कि मुझे तो किसी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, लेकिन गोपाल राय मेरे पीछे से अध्यक्षता करेंगे। वो चले गए। एकदम एतराज हुआ गोपाल राय जी के नाम पे। वहां अचानक मनीष भाई आए और खड़े हो गए, क्यों भाई सबको स्वीकार है ना गोपाल राय का नाम, और इससे पहले की कोई आपत्ति दर्ज हो सकती, इससे पहले की कोई कह सकता क्यों नहीं क्यों, या कायदे से वोट ही हो सकता, पलक झपकते ही गोपाल राय अध्यक्ष बन गए। अब अध्यक्ष बनता है तो अध्यक्ष कहता है कि अब मैं अध्यक्ष हूं, अब एजेंडा का ये आइटम लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उधर गोपाल राय अध्यक्ष बन गए और मंच लपक के मनीष सिसोदिया जी ने संभाल लिया। और मनीष सिसोदिया जी ने कहना शुरू किया कि इस सभा के 167 लोगों ने एक प्रस्ताव किया है, मैं वो प्रस्ताव आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूं। कोई अध्यक्ष की अनुमति नहीं, कोई एजेंडा अनाउंस नहीं हुआ, कौन सा एजेंडा डिस्कस हो रहा था। उन्होंने खुद मंच संभाल लिया, कहा मैं प्रस्ताव पढ़ के सुना रहा हूं, तो उन्होंने प्रस्ताव पढ़ के सुना दिया। और फिर प्रस्तावक ने कोई अनुमोदक की भी जरूरत नहीं समझी, जो प्रपोज कर रहा था उसे सेकेंडर की भी जरूरत नहीं पड़ी, और उसने खुद उस पर वोटिंग शुरू करवा दी। तो मैंने ही प्रस्ताव दिया और मैंने ही कहा वोट करना शुरू करो, हाँ भाई कितने लोग इसके पक्ष में, हाँ भाई कितने लोग विपक्ष में। मैंने खड़ा होकर विरोध किया, अजीत भाई ने कहा, हमने पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया, हमने कहा कि कम से कम चर्चा का तो वक्त दीजिए इस पे, बहुत बातें हुई हैं, हम जवाब देना चाहते हैं, जवाब का वक्त दीजिए। गोपाल राय मूर्ति की तरह बैठे रहे। मैं आगे गया और एक बॉक्सर्स ने मेरे को रोका। मैंने कहा कि आप हटिए, मैं गोपाल राय से बात कर रहा हूं। मैंने कहा गोपाल भाई आप सुनिए, मेरी आंखों में देखिए। गोपाल राय मूर्ति की तरह बैठे रहे। मैंने कहा इसमें चर्चा चाहिए, इसमें सीक्रेट वोट चाहिए। गोपाल राय गुदगुदाए, कुछ कहना है लिख के दे दीजिए। मैंने कहा मैं क्या लिख के दूं, उधर तो वोटिंग हो गई है, ये क्या करवा रहे हैं आप, बोलने का वक्त दीजिए, आप प्रॉपर वोट करवा लीजिए। गोपाल राय ने कहा जो कहना है लिख के दीजिए। मैंने कहा आप रुकिए तो सही, अगर हम लिखने का आपको आग्रह है आप रोकिए, मैं लिखता हूं। और वहां पे पीछे चल रहा था कितने लोग पक्ष में है कितने लोग विपक्ष में है।
प्रस्ताव का प्रपोजल वोटिंग करवा रहा था, अध्यक्ष को पता नहीं था अगर ये देखे कि कौन वोटिंग मेंबर है, कौन ये नहीं हुआ कि कौन वोटिंग मेंबर है, कौन नॉन वोटिंग मेंबर है, कौन इनवाइटीज है जो अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं, कौन आधे से ज्यादा वहां नॉन वोटिंग मेंबर बैठे हुए थे और वो लोग बैठे हुए थे जो वॉलंटियर और मतलब उसकी सेवा के लिए थे। और हमने कहा कम से कम इन चीजों को तो फर्क कर लीजिए, मिनिमम प्रोटोकॉल फॉलो कर लीजिए, कुछ नहीं, बस प्रस्ताव पारित हो गया। मतलब ये हमने सुनने के लिए हम रुके नहीं, जब ये हो गया कि नहीं हम ना तो हम वोटिंग और नॉन वोटिंग मेंबर्स में फर्क करेंगे, ना हम चर्चा होने देंगे, ना हम कायदे से वोट में काउंट होने देंगे, ना हम सीक्रेट वोट होने देंगे, तो फिर हमने कहा कि बस ये देख लिया प्रश्न हमने, तो हम बाहर आ गए। अंदाजन 60-70 से 100 के बीच में लोग आए थे, गिन नहीं पाए क्योंकि हमारे कई साथियों को फिर बाद में बाहर आने से भी रोक दिया गया, दरवाजा लगा दिया गया। प्रशांत जी और मैं बाहर आए तो कोई 15-20 मिनट के लिए लोगों को बाहर आने से भी रोक दिया गया। और जब तक हम लोग बाहर गेट तक आते तब तक अंदर से इशारा चला गया था कि बाहर स्लोगन शॉटिंग शुरू कर दो। तो अचानक जिस एरिया में कोई नहीं था वहां पे एक टीम को बुलाया गया और उस टीम ने आके योगेंद्र और प्रशांत के खिलाफ गद्दारी के नारे लगाने शुरू कर दिए। ये प्रहसन आज हुआ। आपको बताते हुए भी मुझे शर्म आती है कि ये मेरी पार्टी में हुआ, जो पार्टी इस देश में स्वराज का नाम लेके आई थी वहां इस तरह की चीजें होती। लेकिन अगर एक चीज मैं कह सकता हूं, आपसे अनुरोध एक कर सकता हूं, तो वो ये बहुत बहुत शर्मिंदगी की घड़ी है, लेकिन कृपया इस पार्टी और इस पूरे आंदोलन को आज के नाटक से मत मूल्यांकन कीजिए। इस पार्टी में बहुत बड़े लोग हैं, इस पार्टी के वॉलंटियर, इस पार्टी के देश भर में काम करने वाले लोग, वॉलंटियर, समर्थक, बहुत अद्भुत लोग हैं, बहुत त्याग किया है उन्होंने, बहुत बड़े बड़े विचार हैं उनके मन में, बहुत आदर्शवादी लोग हैं। कृपया हमारी पार्टी को, हमारे आंदोलन को आप आज की ट्रेजिडी से जज मत कीजिए। आज हमने वाकई बहुत छोटा काम किया है, लेकिन हम इतने छोटे लोग हैं नहीं, आप देखेंगे हम इतने छोटे नहीं। मैं डॉक्टर गांधी से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं एक और अंडरलाइन कर दूं, पिछला एक महीने के जितने भी डिफरेंसेस हुए, मैं भी सुनना चाहता हूं, सही बात है प्रशांत जी, आप भी जरूर बोलिए। मैं इतना अंडरलाइन कर दूं, पिछले एक महीने के सारे डिस्प्यूट में डॉक्टर गांधी ने किसी की साइड नहीं ली, उन्होंने केवल कहा दो पक्ष हैं इनकी ये बात है उन्होंने, पर आज जो हुआ इनसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ, पंकज पुष्कर जो एमएलए इनसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ, ये लोग आ गए बाहर। प्रशांत जी से मैं कहूंगा।